हेलो बच्चों, कैसे हो? उम्मीद करते हैं सभी स्वस्थ होगे, मस्त होगे। आज हम 10th क्लास मैथ्स NCERT चैप्टर 6 एक्सरसाइज 6.3 सॉल्व कर रहे हैं। बहुत बढ़िया क्वेश्चंस हैं, तो देखिए 6.3 का क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने है। यहाँ गिवन है ट्रायंगल ODC सिमिलर है OBA, और क्वेश्चन दिया है, एंगल दिया है BOC इक्वल टू 125 डिग्री एंड CDO 70। हमें थ्री एंगल्स फाइंड करना है, DOC, DCO, OVA। देखिए अब हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चंस। देखिए तो सबसे पहले देखो सॉल्यूशन, तो देखिए तो अपने पास देखिए ये BOC ओ पॉइंट है और ये वाला टू एंगल्स हैं, BOC एंड DOC। ये लीनियर पेयर है इसलिए इनका सम 180 होगा। तो सिंस एंगल BOC प्लस एंगल DOC, DOC लिख दो या COD लिख दो, एक ही बात है, 180 डिग्री लीनियर पेयर एक्जियम। अब BOC एंगल है 125, 125 डिग्री प्लस DOC इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल DOC इक्वल टू 180 माइनस 125, ये 55 डिग्री आ गया। तो ये देखो एक एंगल हमने DOC निकाल लिया। इसके बाद हम देखिए इन ट्राइंगल DOC, नाउ इन ट्राइंगल DOC, तो DOC में बाय एंगल सम प्रॉपर्टी, थ्री एंगल्स का सम या तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है। बाय एंगल सम प्रॉपर्टी देखिए तो DOC एंगल DOC प्लस DCO प्लस ODC, ODC या CDO लिख दो, एक ही बात है, DCO। तो तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है। अब देखिए ओ वाला एंगल हम 55 डिग्री फाइंड किया हमने, प्लस डी वाला 70 दिया है, प्लस DCO हमको मालूम नहीं है, ये दोनों प्लस करेंगे तो 125 हो जाएगा। तो DCO इक्वल टू 180 माइनस 125, ये आ गया 55 डिग्री। तो सी वाला एंगल भी 55 डिग्री। अब इसके बाद हमें रह गया OBA। देखिए तो ट्राइंगल ये गिबन है, स्टार्टिंग में देखिए आप ये सिमिलर ट्राइंगल्स हैं। नाउ ट्राइंगल ODC सिमिलर ट्राइंगल OBA, OBA इसलिए देयर फॉर एंगल ODC इक्वल टू OBA कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ
कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स। तो डी वाला एंगल हम कितना निकाला हमने 55, इसलिए एंगल OBA ये भी 55 डिग्री हो जाएगा। देयरफॉर हमने जो एंगल फाइंड करने थे DOC ये हम फाइंड कर चुके हैं, DOC आया है 55 डिग्री। दूसरा DCO भी 55 आया है, 55। तीसरा एंगल OBA, एंगल OBA ये भी 55 डिग्री आया। तो तीन एंगल फाइंड करने थे, तीनों की वैल्यू सेम आई है। ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब हम क्वेश्चन 3 पे पहुंच रहे हैं। देखिए तो ये क्वेश्चन 3 है। इस बार ट्रेपेजियम गिवन, हमको वी आर गिवन अ ट्रेपेजियम। ट्रेपेजियम ए बी सी डी है। देखिए इसमें ए बी एंड डी सी पैरेलल साइड्स हैं, ये गिवन है, और डायगोनल्स ए सी एंड बी डी इंटरसेक्ट एट ओ। तो हमें सिमिलरिटी की कंडीशन से हमको ये फाइंड करना ओ ए अपन ओ सी इक्वल टू ओ बी अपन ओ डी। तो देखिए प्रूफ, अब ऐसा फाइंड करने के लिए हम देखो दो ट्राइंगल्स ले लेते हैं। एक ट्राइंगल ये ले लेंगे ए ओ बी और दूसरा सी ओ डी। इन ट्राइंगल्स ए ओ बी एंड ट्राइंगल सी ओ सी ओ डी। देखिए ए बी एंड सी डी पैरेलल है, इसलिए एंगल देखो ए वाला ये है ना, ये एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4, ये इक्वल हो जाएंगे अल्टरनेटिव इंट्री एंगल्स। तो एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4, अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल्स। सिंस क्यों, ए बी पैरेलल टू सी डी ये गिवन है, तो बाय ए ए सिमिलरिटी, बाय ए ए सिमिलरिटी। अगर ट्राइंगल के टू एंगल्स इक्वल होते हैं तो ट्राइंगल सिमिलर हो जाता है, सिमिलरिटी। देखिए दोनों ट्राइंगल ए ओ बी सिमिलर ट्राइंगल सी ओ डी, तो देयरफॉर कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल। तो ओ ए अपॉन ओ सी ये दोनों कॉरस्पॉन्डिंग साइड हैं, ओ बी अपॉन ओ डी मैंने कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल, कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स आर प्रोपोर्शनल, ये हो गया। ये क्वेश्चन अपना 3 कंप्लीट हो गया है। देखिए
अब हम फोर्थ नंबर क्वेश्चन पूछ रहे हैं। देखिए, इस फिगर में दिया है क्यू आर अपॉन क्यू एस। देखो, क्यू आर ये बड़ी साइड, क्यू एस ये स्मॉलर, इक्वल टू क्यू टी अपॉन पी आर। देखो, तो ये गिवन है, तो हमें प्रूव करना है पी क्यू एस, पी क्यू एस ये छोटा ट्रायंगल और टी क्यू आर ये बड़ा ट्रायंगल, ये हमें सिमिलर प्रूव करना है। तो अब आप देखेंगे, और एंगल वन और टू इक्वल के बने। देखो, सॉल्व ये प्रूफ देखिए, तो सबसे पहले एंगल वन और टू को हम यूज करने वाले हैं। इसके लिए मैं ट्रायंगल लेंगे पी क्यू आर, पी क्यू आर ट्रायंगल लेने वाले हैं। इन ट्रायंगल पी क्यू आर एंगल वन इक्वल टू एंगल टू, ये गिवन है। देयरफॉर देखिए, थोड़ी देर के लिए हम ये पी एस साइड है इसको हटा दें, ये हटा दी। देखिए, तो पी क्यू आर में एंगल वन और टू इक्वल हैं, तो वन के अपोजिट साइड है पी आर और टू के अपोजिट साइड है पी क्यू। ठीक है, तो इसमें आ जाएगा पी आर इक्वल टू पी क्यू, पी आर इक्वल टू, पी आर इक्वल टू पी क्यू, साइड अपोजिट अपोजिट टू इक्वल एंगल्स ऑफ ट्राइंगल आर इक्वल, ये कंडीशन है। अब इस चीज का हम यूज करने वाले हैं। देखिए, नाउ एक चीज और की बने, रेशो इक्वल है क्यू आर अपॉन क्यू एस, क्यू आर अपॉन क्यू एस इक्वल टू क्यू टी अपॉन पी आर। अब यहां देखिए, ये प्रूफ किया हमने, तो पी आर के प्लेस पे पी क्यू आ सकता है, तो दिस इंप्लाइज क्यू आर अपॉन क्यू एस क्यू टी अपॉन पी क्यू। तो अब हम ये साइड देखिए, जो हमने मिटाया था उसको मिला देते हैं, पी एस को मिला मिटाया था, हटाया था हमने, जब मिला दिया दोबारा से, देखो मिला दिया। अब दो साइड्स को तरफ ध्यान देना, क्यू आर अपॉन क्यू एस, क्यू आर मीन्स ये बिगर साइड, ये बड़े ट्रायंगल में, अपॉन क्यू एस ये पी क्यू एस ट्रायंगल में, इधर क्यू टी बिगर ट्रायंगल है और पी क्यू ये स्मॉलर वाला, ये वाला। अब इसमें टी क्यू आर और पी क्यू एस में एंगल ये वाला देखो वन कॉमन है, तो अब ये अब रेशो होगा दो साइड का, एंगल वन या एंगल वन इक्वल टू वन या क्यू इक्वल टू क्यू, एंगल क्यू इक्वल टू क्यू कॉमन एंगल, कॉमन एंगल। तो देखो, ये ट्रायंगल हमने लिया कौन कौन से, एक तो टी क्यू आर और पी क्यू एस, तो दोनों में देखो दो साइड का रेशो इक्वल है, और ये क्यू एंगल है जिसको वन नाम दिया था, एक कॉमन एंगल है, तो बाय
SAS बाय साइड एंगल साइड सिमिलरिटी, सिमिलरिटी ट्राइंगल PQS सिमिलर ट्राइंगल TQR। ठीक, तो ये अपना क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हो गया। देखिए अब हम क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 5 पे देखिए, ये गिवन है एस एंड टी आर पॉइंट्स ऑन साइड पी आर एंड क्यू आर ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर। तो ट्राइंगल पी क्यू आर है, ये पी आर पे एस पॉइंट और क्यू आर पे टी पॉइंट गिवन है। किस टाइप से है कि एंगल पी इक्वल टू आर टी एस, एंगल क्यू इक्वल टू आर टी एस। तो हमें ये प्रूव करना है एंगल आर पी क्यू इक्वल टू आर टी एस। प्रूफ देखिए, जो प्रूफ करना उन्हें ट्राइंगल्स को ले लेते हैं हम। इन ट्राइंगल आर पी क्यू एंड दूसरा ट्राइंगल है आर टी एस, इन दोनों ट्राइंगल में आर पी क्यू, देखिए आर पी क्यू मैंने बड़ा ट्राइंगल, आर टी एस मैंने छोटा वाला ट्राइंगल, इसकी बात है। इन दोनों में एक तो आर एंगल कॉमन है, ये आर टी एस में भी है आर पी क्यू में ये कॉमन एंगल है। तो एंगल आर इक्वल टू एंगल आर कॉमन एंगल, कॉमन एंगल। दूसरा ये गिवन है एंगल पी इक्वल टू एंगल आर टी एस, ये गिवन है बाय ए ए सिमिलरिटी, बाय ए ए सिमिलरिटी ट्राइंगल आर पी क्यू इज सिमिलर टू ट्राइंगल आर टी एस। ये क्वेश्चन 5 अपना कंप्लीट हो चुका है। अच्छे क्वेश्चंस हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 6। देखिए यहाँ पे देखिए ट्राइंगल ए बी, ए बी की तरफ देखिए, ये बड़ा वाला ट्राइंगल यहाँ से लेके ये ए बी एंड ए सी डी, ए सी डी मतलब इस टाइप से ये कॉन्ग्रुएंट हैं दोनों ट्राइंगल्स, कैसे हैं कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल हैं। ठीक है, देखिए तो हमें प्रूव करना ए डी, ए डी ये छोटा वाला ट्राइंगल, ए बी डी ए बी सी बड़ा वाला ट्राइंगल, ये हमें सिमिलर प्रूव करना है। तो प्रूफ देखिए अब इसका, गिवन है वी आर गिवन, वी आर गिवन ट्राइंगल ए बी, ए बी कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल ए सी डी, ए सी डी देयर फॉर ए बी इक्वल टू ए सी बाय सी पी सी टी बाय कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स एंड ए इक्वल टू ए डी। देखो
पहला ए बी ऐसे उसी ऑर्डर में लेते जाओ, ए सी के ऊपर, ए ई ए ई ए डी, ये तो आप जुगाड़ मान लीजिए, ठीक है, या फिर यहाँ से देखते जाओ ये तो। दिस इम्प्लाइज, अब देखो इसमें अगर हम ऐसा करें, इसे डिवाइड कर दें कि ए बी डिवाइड बाय ए ई, ए ई ए बी डिवाइड बाय ए ई, ए सी डिवाइड बाय ए डी। अब यहाँ पे ऐसे भी ले सकते हैं, अगर हम अल्टरनेंडो लगा दें इसमें, देखिए तो क्या आ सकता है, इसको ए ई और ए सी को अल्टरनेट कर सकते हैं हम, एल्टर, इसे अल्टरनेंडो बोलते हैं। ए बी अपॉन ए सी इक्वल टू ए ई अपॉन ए डी, ए ई अपॉन ए डी, ए बी अपॉन ए सी, ए अपॉन ए डी, ये हो गया, ये फर्स्ट हो गया, फर्स्ट इक्वेशन इसको दे देते नाम। नाउ अब हमें जो एक देखिए, नाउ हमें जो प्रूफ करना है, ए डी एंड ए बी सी इन दोनों को ले रहे हैं, इन ट्राइंगल्स ए डी एंड ट्राइंगल ए बी सी, वी हैव, हमें मालूम है इसमें क्या क्या गिवन है, ये ले लीजिए, ए बी अपॉन ए सी इक्वल टू ए डी अपॉन ए ई, और एंगल ए कॉमन है, दोनों में एंगल ए कॉमन है, ये वाला, दोनों में एंगल ए कॉमन है, इसमें नाम हम दे सकते हैं अलग अलग, जैसे ए एंगल ए इक्वल टू लिख सकते हैं, या बड़ा लिखना हो तो बी ए सी, ये बड़े वाले ट्राइंगल में, डी ए ई छोटे वाले में, तो बाय एस ए एस, बाय एस ए एस सिमिलरिटी, या क्राइटेरियन ऑफ सिमिलरिटी, क्राइटेरियन क्राइटेरियन ऑफ सिमिलरिटी, दोनों ट्राइंगल जिनकी हम चर्चा कर रहे थे, ए डी इज सिमिलर टू ट्राइंगल ए बी सी, तो ये क्वेश्चन अपना 6 कंप्लीट हुआ। अब हम 7 की तरफ बढ़ेंगे, देखिए ये 7 नंबर क्वेश्चन है, थोड़ा बड़ा है, देखिए क्वेश्चन सिंपल है लेकिन थोड़ा बड़ा है। इसमें दिया है कि देखिए ए डी एंड सी एल्टीट्यूड्स है, मैंने परपेंडिकुलर्स हाइट्स ऑफ ट्राइंगल ए बी सी, तो हमको ये 4 पार्ट्स प्रूफ करना है, सामने लिखें, और ए डी एंड सी इंटरसेक्ट एट पी। तो देखिए बहुत सिंपल क्वेश्चन है, क्वेश्चन पहला पार्ट प्रूफ में आ जाते हैं हम डायरेक्ट, प्रूफ तो फर्स्ट पार्ट ही ले रहे हैं, तो फर्स्ट पार्ट है इन ट्राइंगल ए ई पी एंड सी डी, इन ट्राइंगल ए ई पी
एंड सी डी, सी डी ए ई पी देखी कहाँ है, ए ई पी और सी डी ई, ए ई पी एंड सी डी पी, सॉरी ये गलत लिख दिया है, सी डी पी है, देखो ए ई पी ये वाला ट्रायंगल है और सी डी पी ये सामने वाला, तो इन दोनों में देखो एंगल ए ई पी इक्वल टू सी डी पी, ये दोनों 90 है, एंगल ए ई पी माने ई एंगल इक्वल टू सी डी पी ईच 90 डिग्री, दूसरा ये एंगल है इसके इक्वल हो जाएगा वर्टिकल अपोजिट एंगल, तो ए पी ई सी पी डी, ए पी ई एंगल ए पी ई इक्वल टू सी पी डी, वर्टिकल अपोजिट एंगल्स, तो टू एंगल्स इक्वल हैं बाय ए ए सिमिलरिटी, ट्रायंगल ए ई पी इज सिमिलर ट्रायंगल सी डी पी, तो फर्स्ट पार्ट प्रूफ हो गया जी अपना। अब सेकंड पार्ट पर चलेंगे, देखो सेकंड में ए बी डी एंड सेकंड ए बी डी एंड सी बी इन ट्राइंगल ए बी डी और दूसरा है सी बी, ए बी डी ढूंढो कहाँ है, ये बड़ा ट्राइंगल ए बी डी जे और सी बी सी बी इधर वाला, इन दोनों में देखते हैं ए बी डी एंड सी बी, ये बी एंगल कॉमन है इसमें, दोनों में बी एंगल कॉमन है, एंगल बी इक्वल टू एंगल बी कॉमन एंगल, दूसरा ए डी बी, ए बी डी में डी एंगल, तो इसका ऐसे बोलेंगे ए डी बी, और सी बी सी बी ई में ई एंगल, सी सी ई बी या बी ई सी ईच 90 डिग्री बाय टू एंगल्स, इन दोनों ट्राइंगल में दो एंगल हो गए बाय ए ए सिमिलरिटी, ट्राइंगल ए बी डी इज सिमिलर ट्राइंगल सी बी। अब थर्ड वाले पे देखिए आप, थर्ड वाला है ए ई पी, ए ई पी कहाँ है ये वाला, एंड ए डी बी, तो इन दोनों में ए एंगल कॉमन है, देखिए थर्ड पार्ट थर्ड इन ट्राइंगल, थर्ड पाला देखिए ए ई पी एंड ए डी बी, ए ई पी ट्राइंगल एंड ए डी बी,
इन दोनों में ए एंगल कॉमन है, एंगल ए इक्वल टू एंगल ए कॉमन, कॉमन एंगल है। दूसरा ए ई पी एंगल, ए ई पी ए डी बी के इक्वल है, ए डी बी ईच 90 डिग्री, ईच 90 डिग्री बाय ए ए सिमिलरिटी, ए दो एंगल इक्वल है तो वो ट्रायंगल सिमिलर हो जाएगा। ए ई पी इज सिमिलर टू ट्रायंगल ए डी बी, ए डी बी। तो फोर्थ भी देख लेते हैं, फोर्थ पार्ट है इन ट्रायंगल पी डी सी, इन ट्रायंगल पी डी सी, दूसरा बी बी सी, बी सी। देखो इन दोनों में सी एंगल इक्वल है, पी डी सी एंड बी सी, तो इस वाले में देखिए दो दो फिर एक तो 90 का हो जाएगा एंगल पी सी डी, मैंने एंगल सी इक्वल टू एंगल सी कॉमन लिख देता हूँ। दूसरा एंगल पी डी सी इक्वल टू बी ई सी, ईच 90 डिग्री। बाय ए ए सिमिलरिटी, ट्राइंगल पी डी सी सिमिलर टू ट्राइंगल बी ई सी। ये अपना क्वेश्चन कंप्लीट हो गया 7th नंबर। अब हम 8th नंबर क्वेश्चन पर पहुंच रहे हैं। अच्छा क्वेश्चन है, देखिए ये कह रहे हैं ई इज अ पॉइंट ऑन द साइड ए डी प्रोड्यूस, ए डी साइड को हम बढ़ा रहे हैं ये, ठीक है, ये ऑफ अ पैरेललोग्राम ए बी सी डी एंड बी इंटरसेक्ट सी डी एट एफ, ये बी को ज्वाइन कर रहे हैं जो सी डी को एफ पे काट रहे हैं। तो हमें प्रूफ करना है ए बी बड़ा ट्राइंगल, सी एफ बी मैंने ये वाला सी एफ बी ये वाला, इन दोनों को प्रूफ करना है। प्रूफ देखिए जो कुछ प्रूफ करना वहीं से स्टार्ट कर रहे हैं, इन ट्रायंगल ए बी एंड ट्रायंगल सी एफ बी, सी एफ बी। तो देखिए एंगल ए इक्वल टू एंगल सी, क्योंकि ये पैरेललोग्राम है, पैरेललोग्राम, तो एंगल ए इक्वल टू एंगल सी, ये सिंगल सिंगल पॉइंट है, एंगल है, तो इसलिए लिख सकते हैं अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। दूसरा ए इक्वल टू सी हो गया, ए ई बी एंगल ए ई बी इक्वल टू सी बी एफ, सी बी एफ अल्टरनेटिव
इंटीरियर देखो, इसमें ए बी ये एंगल और इसके इक्वल है, क्योंकि देखो ये ए एंड बी बी सी पैरेलल है, तो अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल है, अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल्स। तो बाय ए ए सिमिलरिटी ट्राइंगल ए बी सिमिलर ट्राइंगल सी एफ बी, ये अपना प्रूफ हो गया है। 8 नंबर क्वेश्चन। तो इस वीडियो में हमने इतना ही रखा है, देखिए अब हम क्वेश्चन 9 की तरफ बढ़ गए हैं। तो इस फिगर में दिया है, आपके सामने फिगर है ए बी सी एंड ए एम पी। ए बी सी ट्राइंगल है वो ए एम पी, ये बी 90 है राइट एंगल है या एम पे है। तो हमें प्रूव करना है कि ए बी सी ट्राइंगल एंड ए एम पी दोनों सिमिलर हैं। देखिए, और दूसरा रेशो इक्वल है, तो प्रूफ में आ जाएंगे हम सीधे। इन ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल ए एम पी, तो इन दोनों ट्राइंगल में देखो ए बी सी और ए एम पी में एंगल ए ये कॉमन है, तो एंगल ए इक्वल टू एंगल ए ये कॉमन एंगल है। दूसरा बी एंगल एंड एम, तो ए बी सी बी एंगल इक्वल टू ए एम पी, ए एम पी ये 90 की वजह से ईच 90 डिग्री इसलिए इक्वल है, टू एंगल्स इक्वल हो गए। तो बाय ए ए सिमिलरिटी, ए ए सिमिलरिटी, दोनों ट्राइंगल जिसकी बात कर रहे थे ए बी सी सिमिलर टू ट्राइंगल ए एम पी। अब सिमिलर ट्राइंगल्स हैं देन कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल, देयरफॉर कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल, माने आर इन सेम रेशो, प्रोपोर्शनल माने कॉरस्पॉन्डिंग साइड का रेशो इक्वल है, रेशो माने अनुपात। देखिए तो यहां पे जी सी ए अपॉन पी ए, सी ए अपॉन पी ए बी सी अपॉन एम पी। देखो सी ए यहाँ देखिए सी ए है जी, इसका ये साइड है हाइपोटेनस है, सी ए देखिए ये ट्राइंगल है ना ए बी सी में, सी ए हाइपोटेनस है, और ये बी ए सॉरी सी ए अपॉन बी ए हाइपोटेनस अपॉन हाइपोटेनस हो गया। दूसरा बी सी ये परपेंडिकुलर मान लीजिए अपॉन एम पी, सॉरी सही था पहले, ये हमने गलत लिख दिया था, जहाँ ये बी नहीं है ये पी है, सी ए अपॉन पी ए सही लिखा पहले,
सी ए अपॉन पी ए और बी सी अपॉन एम पी। तो ये देखो जो कॉरस्पॉन्डिंग साइड है सी ए पी ए और बी सी एम पी, तो इनका रेशियो इक्वल है। ये किस वजह से? कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल आर प्रोपोर्शनल। तो ये क्वेश्चन हमारा 9 कंप्लीट हो गया है। अब हम क्वेश्चन 10 की तरफ पढ़ेंगे। देखिए अब 10 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। यहाँ पे देखो ये दिया है सी डी एंड जी है। देखो सी डी जे है, ए बी सी ट्राइंगल में सी डी, और इस बार दूसरा ट्राइंगल है ये ई जी एफ या एफ जी ई, इसमें जी एच, ये बाई सेक्टर्स हैं एंगल सी एंड जी के। बाई सेक्टर मतलब डिवाइड इंटू टू इक्वल पार्ट्स। ये बाई सेक्टर, ये एंगल इसके इक्वल है, ये एंगल इसके इक्वल है, ये दिया है। ठीक है, अच्छा तो अब हम थ्री पार्ट्स हैं, यहाँ थ्री पार्ट्स को हम प्रूफ करेंगे। देखो तो सबसे पहले पहला पार्ट देखेंगे हम, इन ट्राइंगल ए बी सी देखो तो हम बड़े ट्रायंगल को लेके चले स्टार्टिंग, इन ट्रायंगल एबीसी, ये बिगर बड़ा वाला, दूसरा ट्रायंगल ये है ईजीएफ या एफईजी, ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं। ये दोनों ट्राइंगल कैसे हैं? सिमिलर ट्राइंगल्स हैं ई एफ जी या एफ ई जी, एफ ई जी ये सिमिलर ट्राइंगल्स की बने। ए बी सी और ये सिमिलर ट्राइंगल है, ये दोनों ट्राइंगल कैसे हैं? सिमिलर हैं, इसलिए है। तो एंगल ए किसके इक्वल होगा? एंगल ए इक्वल टू एफ, एंगल ए देखो ये वाला एंगल इसके इक्वल हो जाएगा, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल सी इक्वल टू जी, एंगल सी इक्वल टू एंगल जी, दिस इम्प्लाइज हाफ ऑफ सी, टू एंगल्स इक्वल है तो उनके हाफ पार्ट भी इक्वल होंगे। तो एंगल वन और थ्री इक्वल हो जाएंगे, एंगल वन इक्वल टू एंगल थ्री एंड टू इक्वल एंगल फोर, हाफ पार्ट ऑफ इक्वल एंगल्स। अब हम स्टार्ट करेंगे, ये क्यों इक्वल है इसका रीजन बता देते हैं हम। देखिए तो रीजन है इसका सी डी एंड जी एच आर बायसेक्टर्स ऑफ ट्राइंगल सी एंड जी, और सी ओ जी इक्वल हैं इसलिए। अब आगे बढ़ेंगे हम, नाउ या देयर फॉर अब ट्राइंगल लेना डी सी ए, ट्राइंगल डी सी ए एंड ट्राइंगल एच जी, ट्राइंगल एच जी ई, डी सी ए देखो ये ऊपर वाला पार्ट, ये पार्ट एच जी ई, ये
लोअर पार्ट ये वाला, इन दोनों हम चर्चा कर रहे हैं भाई। ये देखो वन इक्वल टू टू इक्वल टू थ्री इक्वल टू फोर, ये चारों पार्ट इक्वल है, किसी को भी किसी के इक्वल ले सकते हो। तो इन दोनों ट्रायंगल्स में देखेंगे, देखिए ये एच जी एफ, सॉरी एफ ही ले रहे ऊपर वाला पार्ट, ये वाला ले रहे हैं, ये नहीं ले रहे अभी। देखिए तो इन दोनों ट्रायंगल में एंगल ए इक्वल टू एंगल एफ, ये हमको स्टार्टिंग में मालूम है, इक्वेशन फर्स्ट दे सकते, इसको इक्वेशन फर्स्ट दे दिए। चलो अब इसको इक्वेशन सेकंड दे देंगे, दूसरा एंगल टू इक्वल टू एंगल फोर, ये फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, ये फ्रॉम इक्वेशन सेकंड। तो बाय ए ए ए ए सिमिलैरिटी, ट्राइंगल ए बी सी, सॉरी ये वाला डी सी ए एंड एच जी एफ, डी सी ए सिमिलर ट्राइंगल एच जी एफ, ये देखिए ये पार्ट थर्ड पहले प्रूफ हो गया, ये पार्ट कौन सा हो गया, थर्ड प्रूफ। इसमें कुछ पार्ट थर्ड, पार्ट थर्ड प्रूफ, देखिए अब इसमें आगे बढ़ेंगे हम। जैसे पार्ट थर्ड प्रूफ होगा तो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल, इसलिए सी डी, सी डी के प्रोपोर्शनल है जी एच, तो सी डी अपॉन जी एच इक्वल टू ए सी अपॉन एफ जी, कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल, ये पार्ट फर्स्ट हो गया, पार्ट फर्स्ट प्रूफ। ये फर्स्ट पार्ट प्रूफ, अब केवल कौन सा पार्ट रहेगा, थर्ड सेकंड पार्ट। नाउ इन ट्राइंगल डी सी बी, इन ट्राइंगल डी सी बी एंड ट्राइंगल एच जी, एच जी इन दोनों ट्राइंगल में देखिए, अब ये लोअर पार्ट नीचे वाला ट्राइंगल है, ये ट्राइंगल है ये वाला, और ये प्रूफ करना है एंगल वन इक्वल टू थ्री, एंगल वन इक्वल टू थ्री, दूसरा बी इक्वल टू ई, ये दोनों है। तो ये तो हम सेकेंड में इक्वेशन सेकेंड में हमने बताया था, और ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल, ये ए बी सी सिमिलर ट्राइंगल ए पी जी,
बाय ई ई सिमिलरिटी। ट्रायंगल डी सी बी ये दोनों सिमिलर हो गए। तो ये 10th क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। अब हम 11th क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं। देखिए 11th क्वेश्चन को देखें आप। दिया है ई इज अ पॉइंट ऑन साइड सी बी प्रोड्यूस्ड। देखो ये सी बी ट्राइंगल को साइड को बढ़ा रहे हैं, इस पर ई पॉइंट है और इसमें दिया है कि आइसोसेल्स ट्राइंगल ए बी सी, तो ये दोनों इक्वल है। दूसरा ई एफ परपेंडिकुलर टू ए सी, ये है। तो हमको प्रूव करना है, देखो दो है, एक ए डी परपेंडिकुलर टू बी सी एंड ई एफ परपेंडिकुलर टू ए सी। तो हमें प्रूव करना है ए बी डी, ए बी डी माने ये वाला ट्राइंगल और ई सी एफ, देखिए ई सी एफ ये नीचे वाला। तो प्रूफ देखिए, सबसे पहले ट्रायंगल एबीसी को ले रहे हैं, तो इसमें ए बी इक्वल टू ए सी ये गिवन है। आइसोसेलेस ट्रायंगल में टू साइड्स आर इक्वल, ये गिवन है। आइसोसेलेस ट्रायंगल है, इसमें गिवन था, देखो जी साइड ए बी इक्वल टू ए सी गिवन है। Therefore, angle B equal to angle C. Angles opposite equal sides. Angles opposite to equal sides of triangle R इक्वल। नाउ ये हमने अब निकाल लिया है। अब ट्रायंगल जो हमें प्रूफ करना है, इन ट्रायंगल एबीडी एंड ट्रायंगल ईसीएफ, ईसीएफ इन दोनों में देखिए आप, ए बी डी में बी एंगल, ई सी एफ में सी एंगल, ये पहले प्रूफ कर चुके, प्रूव्ड अबव। दूसरा ये देखिए ए डी बी में डी एंगल, ये 90 है एंगल, ए डी बी इक्वल टू ई एफ सी, ई एफ सी ईच 90 डिग्री बाय ए ए सिमिलरिटी। ट्रायंगल ए बी डी सिमिलर ट्राइंगल ई सी एफ, ई सी एफ। ये क्वेश्चन अपना 11th कंप्लीट हो गया भाई। देखिए अब हम क्वेश्चन नंबर 12 पे पहुँचे हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए इसमें दिया है क्या क्या दिया, देखो ए बी सी ट्राइंगल है, दूसरा पी क्यू आर, और ये ए डी, ए डी एंड पी एम ये मीडियंस हैं। देखो ए बी ए सी एंड मीडियन ए डी प्रोपोर्शनल टू पी क्यू पी आर एंड पी एम रेस्पेक्टिवली, इनका रेशो इक्वल है। तो हमें प्रूव करना है कि ट्राइंगल्स ए बी सी एंड पी क्यू आर सिमिलर है। देखिए
तो यहाँ पे ध्यान देंगे हम दोनों ट्रायंगल्स की तरफ, गिवन जी अब रूट में आगे सीधे पहुंचेंगे, ये बड़े ट्रायंगल ले रहे हैं, ए डी इज मीडियन ऑफ ट्राइंगल ए बी सी एंड पी एम इज मीडियन ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर। मीडियन मीन्स मिड पॉइंट, डी इज मिड पॉइंट ऑफ बी सी एंड एम मिड पॉइंट ऑफ क्यू आर, सच दैट। अब इसमें क्या क्या दिया है देखो, जो वो देखते हैं, ए बी अपॉन पी क्यू इक्वल टू बी सी अपॉन क्यू आर, ए डी अपॉन पी एम, ये गिवन है। तो अब देखिए, तो यहीं से स्टार्ट करेंगे, दिस इंप्लाइज ए बी अपॉन पी क्यू। देखो डी मिड पॉइंट है तो बी सी को लिख सकते हैं टू इंटू बी डी, टू इंटू बी डी, क्यू आर को लिख सकते हैं टू इंटू क्यू एम, टू इंटू क्यू एम, और ए डी पी एम ऐसे ही चलने दीजिए, टू टू कैंसिल हो गए तो ये बन गया देखो, तो ये बन क्या बन गया, ए बी अपॉन पी क्यू, बी डी अपॉन क्यू एम, ए डी अपॉन पी एम। अब ये देखो छोटे ट्राइंगल्स देख लीजिए आप, ए बी डी और पी क्यू एम, इसमें देखो ए बी पी क्यू का रेशो, बी डी क्यू एम का रेशो देखिए बीच में, और मीडियन ए डी पी एम। तो इन स्मॉलर ट्राइंगल हैं छोटे वाले, इनके तीनों साइड का रेशो इक्वल है, तो बाय एस 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 सिमिलरिटी, ट्राइंगल ए बी डी सिमिलर ट्राइंगल पी क्यू एम। जैसे सिमिलर कहेंगे तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, फिर दोनों ट्राइंगल्स के कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल हो जाएंगे, देयरफॉर एंगल बी इक्वल टू एंगल क्यू, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स, ये बी और क्यू इक्वल हो गया, यहाँ तक पहुँच गए हम, बी क्यू इक्वल आ गए। अब इसमें से जो गिवन था देखो, ये तीन साइड का रेशो इक्वल था, तो हम केवल इतना ले रहे हैं, नाउ इन ट्राइंगल ए बी सी, बड़ा वाला ट्राइंगल
एंड बिगर ट्राइंगल पी क्यू आर, ये वाला रेशो लेंगे ए बी अपॉन पी क्यू, बी सी अपॉन क्यू आर एंड एंगल बी इक्वल टू क्यू, ये प्रूव है अबव, प्रूव्ड अबव। तो ये गिवन था, गिवन में से एक पार्ट ले लिया हमने बाय एस ए एस सिमिलरिटी ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्राइंगल पी क्यू आर। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 12 कंप्लीट हो गया। देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन था, आप जरूर करें। अब क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, तो ये दिया है डी इज अ पॉइंट ऑन साइड बी सी, बी सी पे डी पॉइंट है ऑफ ट्राइंगल ए सी, ए डी सी, देखो ये डी वाला एंगल बी ए सी ये बड़े एंगल के इक्वल है, तो हमको प्रूव करना सी ए स्क्वायर इक्वल टू सी बी इंटू सी डी। तो सीधे हम प्रूफ पे पहुंच रहे हैं, तो इसमें एक क्लू देखिए, सी ए स्क्वायर आ रहा है, सी ए स्क्वायर का मतलब है सी ए कॉमन पार्ट आना चाहिए, इसलिए हम ट्राइंगल ले रहे हैं ए डी सी एंड बी ए सी, इन ट्राइंगल ए डी सी एंड ट्राइंगल बी ए सी, बी ए सी। तो इन दोनों ट्राइंगल्स में देखिए कितने पार्ट इक्वल हैं, एक तो ये एंगल पहले से इक्वल है, एंगल ए डी सी इक्वल टू बी ए सी, ये दूसरा ये तो गिवन में था, दूसरा एंगल सी इक्वल टू एंगल सी कॉमन एंगल, तो बाय ए ए सिमिलरिटी ट्राइंगल ए डी सी सिमिलर ट्राइंगल बी ए सी। जैसे हम सिमिलर कहेंगे तो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल, कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल, सिमिलर ट्राइंगल के कॉरस्पॉन्डिंग साइड का रेशो इक्वल होता है, इसलिए यहाँ पे देखो एक हम तरीका बताएं। देखो सी ए, देखो यहाँ पे अपने आप बन जाएगा सी ए इसको लाना है, तो सी ए डबल रोल में है तो आप इसे तय नहीं कर पाएंगे, तो सी ए बड़े वाले ट्राइंगल में भी है छोटे में भी है, और दूसरा क्या बचाया सी बी एंड सी डी, सी ए अपॉन सी बी और सी डी यहाँ लिख दीजिए, अपने आप ये कॉरस्पॉन्डिंग साइड हो जाएंगे, तो यहाँ से हो जाएगा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन सी ए इंटू सी ए, सी ए स्क्वायर इक्वल टू सी बी इंटू सी डी। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 13 कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं हम, देखिए अब हम क्वेश्चन नंबर 15 कर रहे हैं। देखिए तो क्वेश्चन नंबर 15 है, क्या दिया है, एक तो देखो पोल लेंथ, ये पोल ए बी पोल है, इसकी लेंथ 6 मीटर है और लेंथ ऑफ शैडो, शैडो उसकी जमीन पड़ रही है छाया 4 मीटर, उसी समय देखिए टावर है डी, इसकी लेंथ ऑफ शैडो है 28 मीटर, तो हमें हाइट ऑफ
टावर निकालना है। देखिए तो यहां पे देखिए, लेट ए बी बी द वर्टिकल पोल सॉल्यूशन, लेट ए बी इज वर्टिकल पोल, वर्टिकल मतलब सीधा खड़ा, परपेंडिकुलर, एंड ए सी इज शेडो, एंड ए सी इज शेडो, ए सी इज शेडो, ए सी इज शेडो ऑल्सो, ये शेडो है ऑल्सो। अब देखो डी इज टावर, टावर ए सी इज टावर एंड डी एफ इज इट्स अ शेडो। अब गिवन है, गिवन देखिए आप, गिवन ए बी इक्वल टू 6 मीटर, ए सी इक्वल टू 4 मीटर, डी एफ इक्वल टू 28 मीटर एंड डी फाइंड करना है। एक्स मान लिया इसको, देखिए एंगल, दोनों एंगल सिमिलर है सिंस ट्रायंगल बी ए सी सिमिलर टू ट्रायंगल ई डी एफ, देयरफॉर कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल, तो ए बी अपॉन डी इक्वल टू ए सी अपॉन डी एफ, तो 6 अपॉन x इक्वल टू 4 अपॉन 28। तो देखो ये हो जाएगा 4x इक्वल टू 28 इंटू 6, एक्स इक्वल टू 28 इंटू 6 अपॉन 4, एक्स इक्वल टू 42 मीटर। तो लेंथ ऑफ हाइट ऑफ टावर ये आ गया। अब ये कंप्लीट हो गया क्वेश्चन। अब क्वेश्चन नंबर देखिए नेक्स्ट है 60 नंबर, ए डी एंड पी ए में आप मीडियन ऑफ ट्राइंगल ए बी सी एंड पी क्यू आर सच दैट ट्राइंगल ए बी सी एंड पी क्यू आर सिमिलर हैं, तो हमें ये प्रूफ करना है ए बी अपॉन पी क्यू अपॉन टू ए डी अपॉन पी एम। देखिए प्रूफ देखिए सीधे, इन ट्राइंगल ए बी डी एंड पी क्यू एम, पी क्यू एम एंगल बी इक्वल टू एंगल क्यू सिंस ट्राइंगल ए बी सी
सिमिलर ट्राइंगल पी क्यू आर, तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है इसलिए इक्वल है। दूसरा ए बी अपॉन पी क्यू, ए बी अपॉन पी क्यू इक्वल टू, देखो बी सी अपॉन क्यू आर है जिसके हाफ पार्ट, बी सी अपॉन हाफ ऑफ क्यू आर, दिस इंप्लाइज ए बी अपॉन पी क्यू, ए बी अपॉन पी क्यू इक्वल टू बी डी अपॉन क्यू एम। देखो ये डी मिड पॉइंट, मीडियन का मिड पॉइंट है, तो बी सी का हाफ बी डी हो गया और क्यू आर का हाफ क्यू एम हो गया बाय एस ए एस। और एंगल बी और क्यू पहले से इक्वल हम बता चुके हैं ये यहाँ पे, तो बाय एस ए एस सिमिलरिटी। ट्राइंगल ए बी डी सिमिलर ट्राइंगल पी क्यू एम, देयर फॉर कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स। अब देखो इनके तीनों रेशो ट्राइड का ए बी अपॉन पी क्यू पहली साइड, बी डी अपॉन क्यू एम दूसरी साइड, ए डी अपॉन पी एम तीसरी साइड, तीनों साइड का रेशियो इक्वल है तो इनमें कोई भी दो ले सकते हैं, इसलिए हम ए बी अपॉन पी क्यू लिया हमने और ए डी अपॉन पी एम ले लिया। तो यही हमें प्रूफ करना था। देखिए तो ये इस तरीके से अपना क्वेश्चन